कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो सिक्योरिटी मनी है AACC का, वो कब आने वाला है। तो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि भैया, जो MCC की काउंसलिंग होती थी MBBS की और BDS की, उन्होंने तो रिफंड कर दिया है सिक्योरिटी मनी, लेकिन जो AAACC है, जो 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाती है आयुष कोर्सेज के लिए, BMS, BHMS, BUMS और BSMS, इसका सर इसका मनी है वो कब आने वाला है। तो गाइज, इस वीडियो में इसी पर बात करने वाला हूँ और गाइज आपको एक्यूरेट डेट बता दूंगा कि आपका जो मनी है वो इस तारीख तक आ जाएगा। किन किन स्टूडेंट्स को मनी मिलेगा, किन किन स्टूडेंट्स को मनी नहीं मिलेगा सिक्योरिटी मनी, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो गाइज, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो लगभग लगभग जो 15 अप्रैल है वहां तक आ जाएगा। 15 या 10 अप्रैल के बीच में जो आपका सिक्योरिटी मनी है वो आपके पास आ जाएगा आपके अकाउंट्स के अंदर। ये गाइज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, जब MBBS और BDS की जो काउंसलिंग का जो सिक्योरिटी मनी है वो आ गया था, उसके जस्ट थोड़े दिनों बाद के अंदर जो AAACC का जो सिक्योरिटी मनी है वो भी आ गया था। तो गाइज, इसका जो नोटिफिकेशन है वो 25 तारीख से लेके 1 तारीख तक के बीच में आ जाएगा कि किन स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी मनी मिलने वाला है और किन स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी मनी नहीं मिलने वाला है। और गाइज, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होने वाला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो सिक्योरिटी मनी है वो नहीं आएगा वापस। तो उनके लिए मैं पहले ही बोल दूं कि उन स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ गलतियां करी होगी, इस वजह से उनका जो सिक्योरिटी मनी है वो नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन लेने के बाद में, वहां पर रिपोर्टिंग करने के बाद में कॉलेज छोड़े हैं मोपअप राउंड के अंदर, और ऐसा बिल्कुल अलाउ नहीं था। अगर जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़े थे, जो नोटिस वगैरह आए थे AAACC की काउंसलिंग से, उन सब ने अच्छे से पढ़े थे, तो उन स्टूडेंट्स का जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस से आ जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि क्या भैया, जो हमारा सिक्योरिटी मनी है, जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है, जो स्टूडेंट्स कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं, उनको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। तो मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, उन स्टूडेंट्स को दिक्कत लेने वाली कोई भी बात नहीं है। उन स्टूडेंट्स का जो सिक्योरिटी मनी है वो आएगा ही 100%। और गाइज, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने दो दो बार रजिस्ट्रेशन किया था। पहली बार रजिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस भरी थी, और दूसरे बार रजिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस भी भरी थी। तो उनका जो सिक्योरिटी मनी है 60,000, 50,000 तो डीम्ड कॉलेजेस का, और जो बाकी का जो 10,000 था जो उन्होंने पहले भरा था गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, वो दोनों आने वाला है। ऐसा मत सोचना कि आपने जो पहले वाला रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करने के बाद में आपने वापस से रजिस्ट्रेशन करवाया था तो आपका जो 10,000 रुपीज़ है वो नहीं आएगा। बस स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये होने वाला है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस भरी थी 1,000 रुपये या 5,000 रुपये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि वो जो पैसा है वो नॉन रिफंडेबल है, और जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफंडेबल है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको सारी जानकारी, काउंसलिंग जब से शुरू हुई थी और जब तक खत्म हुई है, मैंने आपको सारी कट ऑफ वगैरह सारी एक्यूरेट बताई थी, और मेरे सारे प्रिडिक्शन सही हुए हैं। तो गाइज, आप मेरी बातों पर विश्वास रखना, मैंने कहा है आपको कि 15 तारीख तक जो आपका सिक्योरिटी मनी है वो आ जाएगा। और फ्रेंड्स, अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई और डाउट रह गया हो आपका। अगर कोई और भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम @MohsenMeena पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आप मुझसे अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं, BMS कोर्स, BUMS कोर्स, सारे आयुष कोर्सेज से रिलेटेड। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बिग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।